प्रदेश में बढ़ता जा रहा है कोरोना का आतंक। प्रदेश में कोरोना से अब तक 93 लोग संक्रमित हो चुके हैं। मंगलवार को कुल 4 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। भीलवाड़ा से कोरोना को लेकर राहत की खबर है। 26 पॉजिटिव में से 13 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मंगलवार को 2 और मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव से आई नेगेटिव। तो चलिए इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता लोकेश ओला इस वक्त जुड़ चुके हैं। लोकेश, अगर बात करें आज की, तो आज कोई भी ऐसा कोई मामला संदिग्ध सामने नहीं आया है। राहत की खबर है चिकित्सा विभाग के लिए। बिल्कुल, अमित, बताना चाहूंगा कि कल शाम के बाद में जो रिपोर्ट आई थी उसमें अब तक कोई भी ऐसा यानी कोई पॉजिटिव मामला सामने आया है। लगातार कई सैकड़ों जो संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए गए थे उनके जांच की गई है, सैंपलों की जांच हुई है, उनमें अभी तक एक भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अलवर में भी जिन जो पहला कोरोना का पेशेंट मिला था उनके संपर्क में आने वालों की जो संदिग्ध मरीज थे उनके रिपोर्ट जो सैंपल लिए गए थे उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही बात करें जयपुर जिले में, जहाँ रामगंज में सबसे अधिक अब तक 13 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, वहाँ से भी अभी तक कोई ऐसी इनकी रिपोर्ट सामने नहीं आई। भीलवाड़ा में जहाँ सबसे अधिक अब तक 26 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए थे उनके बाद में उनके संपर्क में आने वालों को हालांकि आइसोलेट कर रखा है लेकिन अभी तक उनकी भी किसी तरह की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है, जो एक सुखद खबर कही जा सकती है प्रदेश के लिए। साथ ही साथ एक और सुखद खबर ये है कि जो भीलवाड़ा में 26 अब तक कोरोना के पॉजिटिव मिले थे उनमें से 13 की रिपोर्ट निगेटिव हो चुकी है। साथ ही अब तक जितने भी प्रदेश में जैसे माना जाए कि 76 जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज थे उनके अभी तक उनमें से 15 को जो रिपोर्ट है वो निगेटिव हो चुकी है, उनमें से 5 को डिस्चार्ज कर दिया गया, डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। वहीं बात करें तो ईरान से लाए गए भारतीय नागरिक हो तो उनमें भी 17 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कोरोना के, जो 17 जो मरीज मिले हैं उनमें। साथ ही अन्य की भी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनके सैंपल लिए गए हैं और जो सैंपल लिए गए हैं उनमें अब तक किसी भी तरह के इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जो एक प्रदेश के लिए सुखद खबर है। प्रदेश में ईरान के नागरिक जो ईरान से लाए गए भारतीय नागरिकों को जोड़ के देखा जाए तो अब तक राजस्थान में 93 कोरोना के जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। चिंता की बात तो यही थी कि आज अगर कोई कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट आ जाता तो मुश्किल और बढ़ जाती, लेकिन अब तक कोरोना का पॉजिटिव एक भी मरीज सामने आया है, जो एक राजस्थान के लिए सुखद खबर है। हालांकि इसी तरह अगर कोरोना का कोई भी अगर पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आता है तो राजस्थान एक पूरे देश में एक अच्छा राज्य माना जाएगा कोरोना कंट्रोल करने में, क्योंकि जिस तरह से लगातार अन्य राज्यों में कोरोना के जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उसी तरह आज कोई भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया वो एक प्रदेश के लिए सुखद खबर है। जी बिल्कुल। और लोकेश, क्या आंकड़े अगर देखा जाए तो चिकित्सा विभाग किस तरीके के आंकड़ों को बताता है कि ये आंकड़े अगर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो तीसरे चरण तक हम पहुंच जाएंगे, इसका भी कोई आंकड़ा कोई तय कर रखा है, कोई मापदंड तय कर रखा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कम्युनिटी स्प्रेडिंग शुरू हो जाती है तभी से इनकी तीसरा जो स्टेज वो शुरू हो जाता है। हालांकि राजस्थान में जिस तरह से एक के बाद एक संक्रमित मरीज सामने आ रहे उसके बाद तीसरे दौर के तो शुरू हो गए, लेकिन जब तक ये कंट्रोल में नहीं आता तब तक इनकी जो कोरोना का आतंक है वो लगातार बरकरार रह सकता है। हालांकि जिस तरह से आज पॉजिटिव मरीज सामने आए इसी तरह अगर आगे भी 8 से 10 दिन तक कोई पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आता है तो राजस्थान उन प्रदेशों में आएगा जहाँ तक कोरोना कंट्रोल करने वाला राज्य रहेगा। जी बिल्कुल, और इसका जो क्रेडिट जाता है निश्चित तौर पर हमारी चिकित्सा विभाग की टीम को जाता है, और लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टरों से अपडेट ले रहे हैं, और निश्चित तौर पर यह जो क्रेडिट जाता है उन्हीं को जाता है। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरा प्रोजेक्ट खुद अपने हाथों ले रखा है, और प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर SP और चिकित्सा मंत्री के साथ साथ में सभी चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं किस तरह से आगे की जो तैयारियाँ हैं वो मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार हो रही है। लगातार प्रदेश में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही है, अब तक करीब 1 करोड़ के करीब लगभग जो लोगों तक पहुँची है जो चिकित्सा विभाग की टीमें उन्होंने वहाँ तक स्क्रीनिंग की है, ताकि और उसमें भी जिस तरह से कोरोना के जो लक्षण है खांसी जुकाम बुखार के जो लक्षण है उनके मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट ली जा रही है कि कहीं ये तो संक्रमित नहीं है, उनको भी होम आइसोलेशन के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो जो कोरोना से संबंधित सिम्टम्स पाए जा रहे हैं उनको होम आइसोलेशन के निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि वो बाहर नहीं निकले, और अगर ऐसा अधिक सिम्टम्स आते हैं और जो अधिक गंभीर जो बीमारी से पीड़ित रहता है उनको सैंपल लिए जाते हैं, उनको आइसोलेट किया जाता है, उनका उपचार किया जा रहा है, उसी का ये नतीजा देखने को मिल सकता है कि जिस तरह से आज पॉजिटिव मरीज सामने आए उसी तरह
आगे भी नहीं आता है, तो राजस्थान में कोरोना को कंट्रोल करने वाला बिल्कुल लोकेश, निश्चित तौर पर कोई भी मामला सामने नहीं आया, ये बड़ी राहत की खबर है चिकित्सा विभाग के लिए और प्रदेश दोनों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए।